भाई मैं एक बात पूछूं हाँ भाई, मैं YouTube पे वीडियो बनाता तो गांव वाले बहुत बोलते हैं, बता क्या करूं। इसको पहले बारे में करते हैं। ये बहुत सारे यूट्यूबर का प्रॉब्लम है जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं और जो काम करते हैं, कि भाई गांव वाले क्या बोलेंगे, गांव वाले क्या बोलेंगे। मैंने अक्सर देखा है कि मतलब यूट्यूब पे आ जाएंगे, कुछ वीडियोस बना लेंगे, कुछ सब्सक्राइबर भी हो जाता है, और फिर वो सोचते हैं, मतलब जब गांव वाले बोलते हैं या कॉलोनी वाले बोलेंगे कि भाई तू वीडियो बनाता है, ये क्या करता है, तो फिर वो सोचेंगे कि यार मुझे गाँव वाले ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, एंड बहुत ज़्यादा वो लोग है ना निगेटिविटी आ जाते हैं, मतलब उनके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस सेंस आ जाता है कि भाई मुझे गांव वाले ऐसे क्यों बोलते हैं, थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करते। तो भाई आपको ये चीज़ पता था कि मुझे यूट्यूब से मतलब यूट्यूब पे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मेरे गांव वाले मेरे फैमिली वाले बोलेंगे, यूट्यूब पे मैं जब वीडियो बनाऊंगा जब लोग जानेंगे तो मुझे गाँव वाले फैमिली वाले बोलेंगे, तो फिर आप उस समय क्यों नहीं सोचे, उस समय आपको सोचना चाहिए। अब जब आ गए हो तो इसको काम करते रहो, अभी बीच में छोड़ो मत, ठीक है। मैं यही सजेस्ट करूँगा पहले चीज़। दूसरी चीज़ कि बहुत लोग है ना कन्फ्यूज़ रहते हैं कि भाई ये मुझे बोल रहे हैं, ये चाचा बोल रहे, ये अंकल बोल रहे, ये आंटी बोल रही थी, ये सब मतलब ब्रेन में आता रहता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब कर ले लेते हैं, ठीक है, सरकारी जॉब तब तक आपको इज्जत नहीं मिलेगा जब तक आप जॉब करते नहीं हो। हाँ, अगर आप जॉब करने लगे हो ना तो फिर आपको इज्जत मिलेगा, उससे पहले आप तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो तब तक आपको इज्जत नहीं मिलेगा। उसी तरह यूट्यूब भी है, यूट्यूब में जब तक कुछ अचीव नहीं करोगे, या सिंपल सी भाषा में समझ लो आप लोग कि जब तक आप यूट्यूब से कमा कर अपनी फैमिली को कुछ नहीं दोगे या मतलब अपनी फैमिली में कुछ नहीं लाओगे, जब तक गाँव वाले चर्चा नहीं करेंगे ना तब तक आपको ऐसे ही लोग बोलेंगे, ये मैं देख चुका हूँ और मैं अपनी लाइफ में रियलाइज भी कर चुका हूँ। और तो आप मतलब इस सिचुएशन में करोगे क्या, मतलब अब भाई लोग कर रहे हैं, अभी यूट्यूब से कुछ अर्निंग नहीं हो रहा है, तो भाई डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, आपको काम करते रहना है, क्योंकि जब अगर मतलब जब होता है चैनल मोनिटाइज हो जाता है तो फिर कुछ पैसे आने लगते हैं, फिर उसके बाद स्पॉन्सर आने लगते हैं, तो कुछ ना कुछ अर्निंग होता है, तो जब अर्निंग होने लगता है ना तो आपके पास खुद ब खुद लोग पूछेंगे, लोग आपको देखकर उस समय मतलब कहेंगे हाँ भाई तू कुछ कर रहा है, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा मतलब चीज़ में सक्सेस हो जाते हो, जैसा बड़े बड़े यूट्यूबर को ले लो, ठीक है, तो अब उन लोगों का क्या है ना कि मतलब सभी जानते हो, उसको पास कोई टेंशन नहीं है, अब उनको गांव वाले नहीं बोलेंगे कि भाई तुम वीडियो बनाता है, ये सब मत कर, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं होती है। तो भाई देखो भाई, सब कुछ समझाना बस की बात नहीं है, ठीक है, आप खुद समझ लो, यही बहुत बड़ी बात है। तो बस मैं लास्ट यही कहूँगा कि जो गांव वाले जो बोल रहे ना उस पर फोकस आपको नहीं करना है, चाहे गांव वाले हो या फैमिली वाले हो, उस सबको एक साइड में कर देना है, ठीक है, और उसको स्टोर रूम में बंद कर देना, ब्रेन के स्टोर रूम में। तब उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जो मतलब काम कर रहे हो यूट्यूब पे, आपको काम करते रहना है, ठीक है ना। और कभी बार होता है कि कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो अभी आपको डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको काम करते रहना है, क्योंकि जब आप अर्निंग करने लगोगे, स्पॉन्सर सब आने लगेगा, तब आप खुद ब खुद बिजी हो जाओगे और लोग आपके पास खुद आएंगे, आपके ही गांव वाले, आपके ही जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब आपकी तारीफ करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।